क्या सैकाल सलाम एंड जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल बुकल ब्लॉग्स। क्या हाल है आप सभी के? तो आज एक ट्यूटोरियल वीडियो के साथ, एक्चुअली मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप अपना थंबनेल कैसे बनाते हो, काफ़ी अच्छा बनाते हो ये वो। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो इस पर बना देते हैं कि थंबनेल आप कैसे बनाते हो। आया ऐप स्टोर में बहुत सारी ऐप्स हैं एक्चुअली में इसकी, आप वहाँ से बना सकते हो चाहो तो, लेकिन उसमें मेरे को कई बार अच्छा नहीं लगते हैं। हमें कई बार क्या होता है उसमें प्रॉपर फॉन्ट्स नहीं मिलते हैं हमें कि किससे बनाना है, और कई बार हम एक के ऊपर एक इमेज नहीं लगा पाते हैं, फोटो लेयर नहीं कर पाते एक के ऊपर एक, तो मेरे को कई बार वो पसंद नहीं आते हैं। और बहुत सारे ऐप्स तो पेड हैं और कई ऐप्स पे अपना वाटरमार्क छोड़ देते हैं यार, इतना सा थंबनेल होता है उसके ऊपर हमारे एक दो इमेज भी लगाते हैं, अपना टाइटल भी डालते हैं और क्या करते हैं उस पर वो लॉ वाटरमार्क भी। तो मेरे को पसंद नहीं आया, पहले मैं ऐप से बनाता था बहुत पहले की बात है, लेकिन उसके बाद मैंने इसका एक कह सकते हैं साइड वे ढूंढा। तो मैं दो ऐप का यूज़ करता हूँ, एक ऐप फोटो लेयर और दूसरी ऐप पोस्टर मेकर। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर पे दोनों जगह आई हैं, तो आप आराम से जाके ले सकते हो और फ्री है बिल्कुल ऐप, कोई ऐसा नहीं है कि ये फ्री ना हो, मतलब आराम से आप यूज़ कर सकते हो। तो सेकंड चीज़ है, इसके अंदर ना बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं और ये ना फ्री ऐप है बिल्कुल। तो वीडियो को शुरू करते हैं, पहले ही बहुत लंबी हो जाएगी मुझे पता है ये वीडियो बनाते बनाते, और मैं रफली बनाने वाला हूँ, आप इसको ध्यान से देखना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बनाना है, फिर आप आराम से सुकून से बना सकते हैं। ऐसे कस्टमाइज करेंगे अपने थंबनेल को, ऐसे बनाएंगे हम अपने थंबनेल को एक्चुअली में। तो मैं दो ऐप का यूज़ करूँगा, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पहला तो मैं यूज़ करूँगा फोटो लेयर, दूसरा पोस्टर मेकर। तो मैंने अभी फोटो लेयर खोल लिया है, ऐसा कुछ है इंटरफेस होगा जब खोलेंगे हम इसका, तो हम क्लिक करेंगे रिसेंट पे, मतलब जो भी फाइल हमें सेलेक्ट करनी है। तो ये हमने जैसे ये फाइल सेलेक्ट कर ली है, पीकॉक की है जैसे, अब इसको हम शेप देंगे मतलब क्रॉप करेंगे भाई कितना रखना है। एक्चुअली थंबनेल का साइज़ कम होता है एक्चुअल फोटो से, इससे कम होता है, तो इसको पहले हम इतना पतला करेंगे थोड़ा सा, धीरे धीरे क्रॉप करेंगे और फिर ओके सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप साइज़ देख सकते हैं, नीचे दे रखे हैं 9:16 वगैरह, तो आप इनको सेलेक्ट करेंगे अपना अगर वैसे रखना है, या फिर आप कस्टम भी खुद कर सकते हैं। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया ये फ़ोटो, और अब मैं सेलेक्ट करूँगा इसके ऊपर हमें कौन सी फ़ोटो पेस्ट करनी है। जैसे मैंने सब्सक्राइब ना हो कहीं से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ये PNG नहीं है, तो इसके साइड में ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा, तो हम उस ब्लैक को रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं, पहले मैं इसको कॉर्नर में लगा लेता हूँ, हाँ यहाँ पे रखूँगा मैं इसको, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा था ना जो, तो ऐसे ही मैं और भी चीज़ें उठा के लाऊँगा मैं अपनी फ़ोटोज़ पर। पहले मैं इसको रिमूव करने की सोच रहा हूँ, पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ अच्छे से, जो नीचे इसके ब्लैक दिख रहा है इसको मैं रिमूव करूँगा। इसके अंदर इरेजर है, आप उससे यूज़ कर मिटा सकते हैं, और रिपेयर आप अगर गलती से कोई एक्स्ट्रा मिट जाए तो उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। और ये जो सब्सक्राइब ना हो ये इमेज है हमारे पास, जो हम इसको जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट जूम इन दोनों कर सकते हैं। अब ध्यान से मैं भी बस रफली करके दिखाऊंगा आपको, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है जब मैं बनाता हूँ थोड़ा सा, ये बस मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो सफाई कम रहने वाली है। अब मैं आपको जूम भी करके दिखा दूँगा, ये जूम भी हो जाता है अच्छे से, अब जैसे आप कॉर्नर को जूम करके फिर धीरे धीरे भी इरेज कर सकते हैं। अभी तो मैं रफली कर रहा हूँ इसलिए ऐसा आपको समझ आ रहा है बस थोड़ा सा, तो ये मैं अच्छे से ब्लैक ब्लैक रिमूव कर दूँगा। ये देखिएगा मैंने कर दिया जूम, अब आप यहाँ धीरे धीरे इसको इरेज कर सकते हैं जब आपको सफाई से करना होगा। अभी जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, और कई बार क्या होता है हमारे पास PNG इमेज भी मिल जाती है ये वाली, अगर PNG मिल जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको इरेज करने के, वो चक्कर में पड़ना ही नहीं है आपको, जस्ट वो इमेज को यहाँ रखना है और पोजिशन करना है उसका, दैट्स इट। तो मैं धीरे धीरे इरेज कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा मैंने इरेजर का यूज़ किया, आप नीचे देख सकते हैं मैंने इरेजर सेलेक्ट हो रखी है, और एक्स्ट्रा अगर कुछ मिट जाए तो उसका साइड में रिपेयर के लिए एक पेन टाइप बना हुआ है जिसमें रिपेयर लिखा हुआ है, तो आप रिपेयर भी कर सकते हैं जैसे अभी इरेज कर रहे हैं। तो ओके मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये आ गया अपना सब्सक्राइब आऊँ, अभी से हम इसका साइज़ कम बड़ा दोनों कर सकते हैं छोटा बड़ा, तो मैंने इसे पोजीशन कर दिया साइड में। अब मैं वापस एक और फाइल खोलूँगा, अब इसमें से उठाऊँगा मैं जैसे मेरा ये लोगो है, तो मैंने उठाया राहुल बुकल ब्लॉग्स का लोगो, अब मैं इसको पहले क्रॉप कर लूँगा छोटा, ताकि इरेज करते हुए ज़्यादा मेरे को इरेज ना करना पड़े अगर मेरे को इरेज करना है तो, बाकी मैं सब इरेज नहीं करने वाला हूँ। इसको मैं ऐसे साइड में रख लूँगा नीचे की तरफ, और बस इसको एक पोजीशन दे दूँगा, जैसे आप बनाना चाहें ना इसमें वैसे बना सकते हैं। जो इसकी प्रॉपर ऐप आती है, बहुत सारे आते हैं कि थंबनेल मेकर वगैरह, ऐप स्टोर पे बहुत है, लेकिन मुझे उसमें मज़ा बिल्कुल नहीं आता है, तो मैं इसको धीरे धीरे करके एडजस्ट कर रहा हूँ इसका साइज़, इस साइड से जो एरो मार्क है डायगोनली, अब इससे बड़ा छोटा इसको कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं इवन। अब वापस से फाइल पे क्लिक करूँगा और दूसरा डाउनलोड करूँगा, मतलब दूसरी इमेज लेके आऊँगा। आपको मैं जैसे कह रहा था कि आप ऐप स्टोर पे बहुत सही ऐप होती हैं थंबनेल मेकर, मैं उनका यूज़ इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत दिक्कत वाली है, मतलब एक्चुअली ना कईयों के अंदर इतने वो नहीं है
प्रॉपर अपना बनाओगे ना एड फ्री नहीं होगा, कोई अपना वाटरमार्क छोड़ेगा तो मतलब वाटरमार्क का अच्छा है क्योंकि पहले ही थंबनेल में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ऊपर से अगर वो वाटरमार्क रख देंगे तो और दिमाग ख़राब हो जाता है। और कई होते हैं पेड ऐप्स, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। मैंने पहले कहीं थंबनेल मेकर ट्राई भी किए हैं लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैं दो ऐप का यूज़ करता हूँ। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मैं फालतू में दो दो यूज़ कर रहा हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बहुत परफेक्ट बनता है इससे। अगर PNG में जो तो और मज़ा आता है, जैसे तैसे आप बना सकते हैं, मतलब आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये इरेज करने का चक्कर ही नहीं आता है। तो जितने भी थंबनेल मैं बनाता हूँ इसी ऐप से बताता हूँ, इन दोनों से। इस ऐप से मैं फ़ोटो के ऊपर फ़ोटो लेयर कर सकता हूँ। एक इमेज थी पीकॉक की, उसके ऊपर मैंने सब्सक्राइब नाउ की इमेज रखी, फिर उसके बाद मैंने अपने लोगोज रखे, वो भी इमेज थी। अब मैं इस पर रखूँगा अपना चैनल का लोगो। अब इसको भी मैं क्रॉप कर लेता हूँ थोड़ा अच्छे से, और अब इसे करूँगा मैं कट। एक्चुअली मैंने ये ब्लैक लोगो, ये मेरा पुराना लोगो था, अब मैंने चेंज कर लिया था थोड़ा सा, एक्चुअली यही है लेकिन इसमें थोड़ा सा और है वाइट पोर्शन। अब मैं इसको मिनिमम छोटा करूँगा बिल्कुल, मतलब जितना कम साइज आपको रखना है, बड़ा छोटा कुछ भी हो उसको रख के मैं इसको कॉर्नर में लगा दूँगा। तो गाइस जो दूसरी ऐप है मैं उससे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर लिखने के लिए यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें ना बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, आप फॉन्ट पे क्लिक करते रहो हज़ारों फॉन्ट्स हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट्स हैं, बहुत सारे थंबनेल मेकर में नहीं मिलते हैं। अब मैं जैसे लाइक शेयर का करूँगा, ये लाइक शेयर PNG इमेज भी थी मेरे पास, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कि आप कैसे इसके ब्लैक वाले पोर्शन को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि PNG इमेज मिलेगी आप डायरेक्ट रख दोगे लेकिन इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, कई बार PNG इमेज नहीं बना पाते। लेकिन बहुत सारी ऐप भी हैं जो बैकग्राउंड इमेज रिमूवर करके होती हैं, नेट पे भी होती हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, और ऐप भी आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई बार अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसमें आप आराम से ज़्यादा टाइम लिए बिना ऑफलाइन भी कर सकते हो, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है इसमें आप ऑफलाइन वर्क कर सकते हो। बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें PNG रिमूव करना हो, वो ऑनलाइन ऐप्स होती हैं कई बार, तो अब उसमें नेट चाहिए, आप इसमें कहीं नेट ना हो बिल्कुल भूल जाओ, नेट की दिक्कत नहीं है, आप बस अपना लगे रहो, अपने वीडियो एडिट करो, अपने थंबनेल एडिट करके पहले से रख लो एडवांस में ताकि लास्ट में डिफ़िकल्टी ना हो। तो मैं ये धीरे धीरे इरेज कर रहा हूँ, मैं इतनी सफाई से नहीं करने वाला हूँ, वैसे इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम, इसको जूम करके परफेक्टली जूम करके, और पेन का साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये देखा मैंने अपना पेन का साइज़ छोटा किया था ना अभी, तो ये मैं अच्छे से कॉर्नर्स इरेज कर सकता हूँ। पेन का साइज़ बहुत बड़ा भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो, इरेजर का साइज़ बड़ा भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। एडजस्टमेंट के लिए नीचे लाइन दे रखी है, उसको आप जो स्क्रॉल लिख करा हुआ है ब्लू कलर का सर्कल, आपको एक बार एक साइड में करोगे तो छोटा हो जाएगा, लेफ्ट में करोगे तो, और स्क्रीन की राइट साइज़ करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो यही है इसका सारा खेल इरेजर। अब मैं इसको जूम करता हूँ और ये धीरे धीरे मैं कॉर्नर इरेज करूँगा, ये देखिए। और गाइस सबसे अच्छी चीज़ ये, आप जहाँ टच करोगे ना वहाँ पे इरेजर नहीं, उससे ऊपर इरेजर होती है, उसका फ़ायदा ये आपको मिलता है कि आप अच्छे से देख सकते हो कि मैं क्या इरेज कर रहा हूँ। अगर उंगली के नीचे चले जाए बाई चांस, फिंगर टिप के नीचे हो, तो आपको समझ नहीं आएगा कि इरेज क्या कर रहे हो, कुछ गलत इरेज हो जाएगा। तो मुझे ये ऐप बहुत अच्छी लगी, मैं इसको बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली 3-4 साल हो चुके हैं मुझे ये यूज़ करते हुए। इस वाली ऐप को मैं एक्चुअली पहले मैं यूट्यूब की वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन उससे पहले से यूज़ करते आ रहा हूँ मैं। पहले मैं दूसरे कामों के लिए जैसे फ़ोटो कहीं पर लगाना हो या हटाना हो, मतलब वही था, इसका बहुत अच्छा यूज़ था। मेरे दोस्त काफ़ी हैं अच्छे, वो जानते हैं मैंने इसका कैसे यूज़ किया था, मैं उनके काम भी बतेरे करता था इनसे। तो ये मैंने इरेज कर दिया अच्छे से, अब मैं इसको हटा के देखता हूँ साइज ओके, बाकी इसको भी इरेज करता हूँ, मैं जूम आउट करता हूँ वापस से, पूरा जूम आउट करूँगा मैं, ओके अभी ऊपर बाकी है फिंगर टिप के पास, थंब टिप के पास एक्चुअली। तो मैं धीरे धीरे इसे इरेज करूँगा एंड दैट्स इट, ये हो चुका है ऑलमोस्ट डन, हो गया, थोड़ा थोड़ा बाकी है, ये कर सकते हैं मानो। तो सफाई से नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे फिर नहीं तो वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है और ऐसे ही लंबी होती जाएगी, क्योंकि अब इसका सेकंड ऐप और सेकंड पार्ट कह सकते हैं जिसमें हम इसका यूज़ करेंगे। तो अब मैं ओके क्लिक करूँगा जो साइड में राइट साइड का टिक है, अब इसको मैं साइज़ दूँगा, रिसाइज करके उसके बाद आराम से मैं इसे कहीं भी लगा दूँगा। तो अब इसके ऊपर अगर मैं कोई और लोगो लगाना है या कोई इमेज डालनी है, जैसे मैं ये पीकॉक की इमेज डालना चाह रहा हूँ, तो मैं ये भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं भी डालूंगा नहीं, पहले पीकॉक है इसमें। अब मैं करूँगा सेव, ये फाइल हमारी ऑलमोस्ट हो गई है सेव, जो फाइल हमारी सेव हो चुकी है, अब इसको हम खोलेंगे अपनी दूसरी ऐप में जिसका नाम है पोस्टर मेकर। तो अभी मैंने बंद किया अपने टैब को, अब ये रही पोस्टर मेकर कहाँ है, ये रही, ओके। तो हमने पोस्टर मेकर पर क्लिक करेंगे, ये रही ऐप, मैं बाहर निकाल के ले आया ताकि आप देख सकें ऐसा कुछ लोगो है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप थंबनेल बना सकते हो, आप इसमें इंस्टा की इमेज, इंस्टा की रील के लिए इमेज या फेसबुक बैनर देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं इसमें यूट्यूब के लिए, ये रहा यूट्यूब, तो मैं यूट्यूब पर क्लिक करूँगा और ये यूट्यूब के लिए खुल गया है। अब इसमें मैं साइड में क्लिक करूँगा, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में वहाँ लिखा हुआ है गैलरी, मैं गैलरी पर क्लिक करूँगा, ये अलग अलग वो भी है बैकग्राउंड। अब गैलरी में
जो हमारा फोटो लेयर, हमने फोटो लेयर बनाया था, तो ये आ गई फोटो लेयर की इमेज जो हमने बनाई थी अपनी फोटो लेयर ऐप में। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड टिक पे क्लिक करेंगे, तो ये आ चुका है पूरा इंटरफेस हमारे सामने। अब इसमें हम अलग अलग ऐड करेंगे अपने फॉन्ट्स, मतलब अपनी राइटिंग, जो भी आपको लिखना है, किसी का नाम लिखना है, कोई वीडियो का नाम लिखना है, वो लिखेंगे। और जैसे इसमें मैं लिखता हूँ, ओके पिकॉक लिखता हूँ, तो मैंने लिखा है इस पर पिकॉक। ओके ये आ चुका है पिकॉक। अब मैं करूँगा इस पर क्लिक और इसको पोजिशन करूँगा साइड वाइज। अब इसको अप डाउन, मोटा बड़ा, पतला, कैसे भी कर सकते हैं वो। करने के बाद और ये जो साइड में एरो मार्क दिख रहा है, इसके साइड में आप देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले मैं इसको पफ देख लेता हूँ किस साइज़ में रखना है। मैंने ये साइज़ बड़ा करके रख लिया, अब इसको छोटा बड़ा कितना भी कर सकते हैं, तो मैंने ये बड़ा कर लिया है। अब इसमें मैं करूँगा इसका फॉन्ट चेंज। फॉन्ट चेंज करने के लिए मैं क्या कर रहा है, नीचे इस पर क्लिक करने के बाद धीरे धीरे एक फॉन्ट सेलेक्ट करते रहना है, ये वाला फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट है। और अगर इनमें से भी आपको ना पसंद हो तो और भी फॉन्ट हैं, आपको बस साइड में राइट क्लिक करना है, एक ऑप्शन है नीचे प्लस का आ जाता है, वो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप बहुत सारे इसमें फॉन्ट्स हैं। वो एक्चुअली में नेट पे चलते, थोड़े से डाउनलोड करने पड़ते हैं, एक बार डाउनलोड कर लो फिर यूज़ कर लो। और लेकिन वो डाउनलोड भी फ्री डाउनलोड है, कोई पेड डाउनलोड नहीं है, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। अब जैसे मैंने इसको ये यूज़ किया पिकॉक में रेड कलर, और मैंने इसके नीचे शेडो इसकी थोड़ी डार्क कर दी थी। अब मैं लिखूँगा राहुल बुक्कल ब्लॉग्स, राहुल बुक्कल ब्लॉग्स, LOGS। ओके तो ये आ गया राहुल बुक्कल ब्लॉग्स, ये भी सेम फॉन्ट में आएगा क्योंकि हमने वही लगाया था अभी। अब मैं इसका फॉन्ट चेंज करूँगा, मैं वापस से क्लिक करूँगा फॉन्ट पे। फॉन्ट अब मैं ढूंढूंगा कोई पतला सा, ये ठीक है नहीं, थोड़ा दूसरा। ओके मैंने अभी ये कलर चेंज कर दिया ताकि थोड़ा दिखे, पीकॉक से अलग लगे। अब मैं इसको साइज़ रिसाइज़ करूँगा, छोटा बड़ा अपने मन से मैं छोटा करके इसको यहाँ पे रखूँगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया ये शायद, हाँ ये ठीक है। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे प्लेस, इसको थोड़ा सा नीचे ऊपर चढ़ गया था उसके पीकॉक के। तो कलर चेंज करता हूँ क्योंकि पीछे भी ग्रीन है और आइए भी ग्रीन हो गया, थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन अच्छा लग तो रहा है। डार्क ग्रीन नहीं, ये भी कलर नहीं। ओके तो ये कलर हमने कल लगा दिया इस पर, हाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ये साइड में हम लाइट यूज़ कर रहे हैं, इसमें लाइट का ऑप्शन है जो नीचे ऑप्शन, हम वहाँ पे लाइट में क्लिक कर रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छी वीडियो बनने वाली है, मतलब काफ़ी अच्छी थंबनेल बन रही है, वीडियो तो अच्छी है ही, आपको पसंद आ रही है तभी आप यहाँ तक देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं PNG फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में। JPG करता हूँ मैं हमेशा, उसके बाद आएगा वॉच वीडियो और फ्री सेव, या फिर आप पेड कर लो या फिर वाटरमार्क के साथ। तो आप फ्री वीडियो क्लिक करो, 10 से 20 सेकंड की वीडियो होती है, आप वो देखो और बस ये वीडियो शुरू हो गई है। मैं इसको कट कर देता हूँ एक बार, इसको ऐड स्किप कर दिया, और ये देखिए फाइल हमारी हो चुकी है अच्छे से सेव। और अब यहाँ पे आप रेटिंग दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, कब रेटिंग नहीं करते, इग्नोर करते हैं। हमारी फाइल पूरी अच्छे से बन के हो चुकी है तैयार। मैं आपको इमेज खोल के दिखाता हूँ, मेरी गैलरी में जाके, गैलरी तो वो इमेज, ये मैं स्क्रीन और साइड में। ओके तो ये रही वो पोस्टर मेकर वाली गैलरी में चली जाएगी। एक्चुअली पहले फोटो लेयर से हमने उठाई थी, फिर हमने पोस्टर मेकर में इसका यूज़ किया, तो ये परफेक्ट लग रहा है मेरे को। मैं हमेशा आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर सब कुछ अच्छे समझ आया होगा कि कौन सी ऐप क्या यूज़ कर, मतलब कैसे यूज़ करनी है। फोटो लेयर जो ऐप है उसको आप फोटो को लेयर करने के लिए यूज़ करोगे, अलग अलग इमेजेस एक के ऊपर एक लगाने के लिए यूज़ करोगे। PNG इमेज होंगी तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आप उसको इरेज भी कर सकते हो इरेजर की मदद से। और सेकंड ऐप है पोस्टर मेकर, उसमें आप बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे आपको, तो अलग अलग फॉन्ट्स आप लगा सकते हो अपने उस पर टाइटल बनाते हुए। सो बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है ये, आप लोग पूरी देखने आए हो यहाँ पे, तो थैंक यू। सो वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, साइन ऑफ, जय।